दादू ने तो सारा प्लान खराब कर दिया। आई नो, इतनी चिड़िया के पर गिन लेती हैं वो। अंदाजा हो गया होगा उन्हें, इसीलिए चेकअप के बहाने ले गई उसे। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। आई थिंक बात पूरी तरह से हमारे हाथ से निकल चुकी है। अभी नहीं बेटा, तुम परेशान हो रही हो। क्या मतलब? मॉम, अगर आप अभी भी कुछ कर सकती हैं ना, तो अभी कर लें। क्योंकि एक दो दिन में जावेर भाई वापस आ जाएंगे। और आपको क्या लगता है, दादू उनको ये बात नहीं बताएंगी? बल्कि बता चुके होंगे। तो बता दें, डजंट मैटर, जावियर मेरा बेटा है, माँ हूं मैं उसकी, मेरे लिए कुछ भी कर सकता है। तो रियली, नायाब से शादी करके जब जावियर भाई उसे घर लाए थे, तब भी वो आप ही के बेटे थे। क्या बात है जैदी, आज तुम इतनी सार्कास्टिक क्यों हो रही हो? रिलैक्स, अब मैं चाहती हूँ कि कुछ ऐसा सोल्यूशन निकले कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मेरा बच्चा, अल्लाह ने तुम्हारी मदद के लिए फरिश्ता भेज दिया है, समझो इस बात को। दादू आपने बता देना। नहीं नहीं इतनी बड़ी खुशखबरी इतने उलझे हुए माहौल में, इतनी दूर बैठे हुए, मैं उसको हरगिज नहीं बताने वाली। लेकिन दादू, कोई ना कोई तो बताएगा ना जावियर को। तुमने देखा नहीं, इस खबर को सुनकर अगर कोई दिल से खुश हुआ है ना, तो बस जुनैद, और उसको मैंने मना कर दिया है। इसके अलावा तो और किसी ने ये जहमत करनी नहीं। जावियर को जब ये खुशखबरी मिलेगी ना बेटा, तो वो तलाक की बात भी नहीं करेगा, तुम्हें खुद से दूर करने की बात भी नहीं करेगा। अच्छा है बेटा, उसे वक्त मिल जाएगा ये सोचने समझने का, कौन सच्चा है, कौन झूठा, कौन साजिशी। इंशाल्लाह। अब तुमने स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना जी, परेशान भी नहीं होना बेटा, तुम्हारे और बच्चे की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है दादू। और ये भी अच्छा नहीं है, ये जो तुम चाय पी रही हो, छोड़ो इसे और कुछ फल खाओ, कुछ ड्राई फ्रूट। शाबाश, मैं खाती हूँ।